ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादलों पे सवार, आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा, देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा। तब फिर ना कहना हम थे पापी हम नादान। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय
में बसा ले। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। प्यारे बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम धूल का कमाल नाम की कहानी सुनेंगे। यह उन दिनों की कहानी है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के सेनापति रोमेल अपनी खास रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। एक बार अफ्रीका के एक रेगिस्तान में जर्मन सेना अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तब उसके तोपखाने के गोले खत्म हो गए। अंग्रेज सेना सामने से बड़ी चली आ रही थी। बारूद व गोले न होने से अंग्रेज सेना को रोक पाना असंभव सा हो गया था। ऐसे में साथी सेनाधिकारी दौड़े दौड़े घबराहट में रोमेल के पास आए और बोले, सर, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया है। हमारे पास इस समय खाली तोपों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? इतनी जल्दी इस समय तो किसी भी चीज की व्यवस्था करना काफी मुश्किल है। साथियों की बात सुनकर रोमेल थोड़ा भी नहीं घबराए। वह धैर्यपूर्वक बोले, देखो, इस तरफ परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि और चतुराई से काम लेकर दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाने होंगे। हमारे पास गोले और बारूद न सही, धूल तो है। तोपों में धूल भरो और दनादन दागो। कुछ हवाई जहाजों को भी उड़ाने के लिए ऊपर छोड़ दो। रोमेल की बात मानकर ऐसा ही किया गया। तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान भी हिल गया। चारों ओर धूल ही धूल उड़ी देखकर अंग्रेज डर गए। उन्होंने समझा कि शत्रु की भारी भरकम सेना आगे बढ़ती चली आ रही है। उड़ती हुई धूल में वे वास्तविकता का पता नहीं लगा सके। इधर जर्मन हवाई जहाजों ने भी खाली उड़ान भरकर शत्रु सेना को आतंकित कर दिया। अचानक दहशत में आ जाने से शीघ्र ही शत्रु सेना के पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हो गई। इस तरफ रोमेल की बुद्धि और चतुराई से बिना किसी हथियार के ही सफलता मिल गई। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक जीत जर्मनी को न मिली हो, पर रोमेल को उनके शत्रु देशों के सैन्य अधिकारी भी याद करते हैं। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनके शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं।
आया है जहां में, लेके तू खुशियां हरियाली। आया है जहां में, लेके तू खुशियां हरियाली। गाए देखो ये हवाएं, देखो ये झूमे, देखो ये फिजा, झूमे देखो ये फिजा, ये आसमां ये जमीन। करते बढ़ाई तेरी, आया है जहां में, लेके तू खुशी और हरियाली। आया है जहां में, लेके तू खुशी और हरियाली। आया है जहां में, लेके तू खुशी और हरियाली। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, जब मसीह ने मनुष्य की प्रकृति को धारण कर लिया तो उसने प्रेम की श्रृंखला से मानवता को अपने से ऐसा बांध लिया जो किसी के भी तोड़ने से वो टूट नहीं सकता, सिवाय मनुष्य की अपनी इच्छा से। शैतान सदा ही ऐसी मोहक और भ्रामक वस्तुएं हमें ललचाने के लिए प्रस्तुत करेगा कि हम इस बंधन को तोड़ डालने की ओर खींचे जाए और मसीह से दूर रहना पसंद करें। यहीं पर हमें सतर्क रहना चाहिए, जागते रहें, संघर्ष में लगन रहें, प्रार्थना करने में तत्पर रहें, ताकि हम किसी भी हालात में दूसरे स्वामी की अधीनता को स्वीकार ना करें, क्योंकि किसी का भी चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। परंतु यदि हम अपनी निगाहें मसीह पर जमाए रखें तो वो हमारी रक्षा करेगा। यीशु को ताकते रहें और सुरक्षित रहें। किसी की क्या सामर्थ्य कि हमको उसके हाथों से छुड़ा ले। उसके निरंतर देखते रहने से प्रभु का जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पहला दूसरा कुलंथियों 3:18। इसी विधि से प्रारंभिक शिष्यों ने अपने प्रिय उद्धारकर्ता की समानता को हासिल किया था। जब उन चेलों ने प्रभु यीशु के वचन सुने तो उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने खोज की और पाया तथा उसके पीछे हो लिए। वे घर में, खाने की मेज में, प्रार्थना की कोठरी में, मैदान की खेत में, सभी स्थानों में उसके साथ साथ रहे। शिष्यों की भांति वे लोग उसके चरणों में बैठकर प्रतिदिन उसके मुख से अमृत वचन सुनते थे। दासों की तरह वे लोग स्वामी के आदेशों की प्रतीक्षा करते तथा उनका पालन करते। वे शिष्य भी हमारे ही तरह स्वभाव और भावनाएं रखते थे। वे भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य थे। याकूब 5:17। हम लोगों की तरह उन्हें भी पाप से संघर्ष करना पड़ा। उन्हें भी पवित्र जीवन बिताने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता थी। यीशु का सबसे प्रिय शिष्य यूहन्ना तेज आत्म प्रशंसक सम्मान प्रेमी क्रोधी था, परंतु जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो उसने यीशु के दैनिक जीवन में प्रदर्शित सामर्थ्य, धीरज, शक्ति, कोमलता,
वैभव विमर्ता को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। मसीह के प्रेम की शक्ति ने उसके चाल चलन को सुधार दिया। ये सब मसीह से मेल रखने का नतीजा है। जब मसीह हृदय में निवास करता है तो स्वभाव में परिवर्तन और सुधार होता है। मसीह का आत्मा उसका प्यार हृदय को कोमल करता है, आत्मा को विनम्र बनाता है, विचारों तथा अभिलाषाओं को स्वर्ग और परमेश्वर की ओर उठाता है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य के रूप में उसका स्वर्गरोहण हुआ। वे जानते थे कि वो परमेश्वर के सिंहासन के पास है, फिर भी उनका मित्र और मुक्ति दाता है। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद जब शिष्य लोग एक जगह इकट्ठे हुए, यीशु के नाम से अपनी प्रार्थनाओं को पिता के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। गंभीर मुद्रा में वे प्रार्थना करने के लिए झुककर उस आश्वासन को याद करने लगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। उन्होंने विश्वास के हाथों को और ऊंचा किया और ये दलील अपने सामने रखी, मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दे में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। उसने ये वायदा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा। अब से आगे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा द्वारा अपने बच्चों के हृदय में सदा सर्वदा निवास करता था। यीशु के साथ इन शिष्यों का संबंध पहले की अपेक्षा अब और भी घनिष्ठ हो गया, क्योंकि अंतरस्थल में विराजने वाले यीशु के प्रकाश, प्रेम और शक्ति की किरणें उनके द्वारा प्रकाशित होती थी और देखने वाले लोगों ने अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। अपने प्रथम शिष्यों के लिए जो कुछ मसीह ने किया, वही आज के सभी बेटे बेटियों के साथ करना चाहता है। अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने शिष्यों के उस छोटे झुंड से यही कहा था कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु ने हमारे लिए भी प्रार्थना की और विनती की कि हम उसके संग एक हो जाएं, जैसे वो और पिता एक है। ये कैसा संबंध है? मुक्तिदाता ने अपने विषय में कहा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कहता, फिर आगे कहता कि पिता मुझसे रहकर अपना काम करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर पिता हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि वो उसका बेटा था और वो उससे प्यार करता था और हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया भेजा ताकि हमारा जीवन बच जाए मृत्यु से और हम उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सके। केवल उस पर विश्वास करके, उस पर ईमान करके। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में अपने शक्ति के द्वारा कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ना हो। आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपे, यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आपका जीवन इस पृथ्वी पर बहुमूल्य है। आप आज हैं, कल नहीं। आपका जीवन एक फूल की तरह है, एक घास की तरह है, जो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा। आपको अपने जीवन में एक ठोस निर्णय लेना होगा। ये कार्यक्रम इसलिए है कि हम बहुतों को बचा सकें स्वर्ग के राज के लिए। क्या आप आज तैयार हैं?
तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु, और इस बहुत पवित्र मौके के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रभु, जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु तू काम कर, उन्हें बता, उन्हें सिखा प्रभु, कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बहुत बहुमूल्य खुदावन, और हम दो पल के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, फिर चले जाएंगे। हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, अपने समस्याओं को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमें अपने ऑनलाइन पे भी मेरे कार्यक्रम को सुन सकते हैं, AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।